कार्टून टीवी। मंजुषा अपनी चाची और चाचा शक्ति देवी और मोहन के साथ में भावनगर में रहती थी और उसकी चाची की एक बेटी थी आशिमा। मंजुषा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसका पालन पोषण शक्ति देवी और मोहन ने किया। शक्ति देवी मंजुषा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। आशिमा, ओ आशिमा, ये क्या नंबर आए हैं तेरे क्लास टेस्ट में? तुझे भी वही टीचर पढ़ाते हैं और मंजुषा को भी, और देखो मंजुषा के कितने अच्छे नंबर आए हैं। मम्मी, आपको मंजुषा की हर चीज़ अच्छी लगती है, वो तो है ही अच्छी, बुरी तो सिर्फ मैं ही हूँ। तुझसे तो बस खाली बहस करा लो, उसमें तो हमेशा आगे रहती है। मंजुषा को देखा है, सारे घर का काम करती है और पढ़ाई भी करती है। उसे अच्छा बनने का शौक है तो बने ना, मुझे आप क्यों सुना रही हो? यह किस लहजे में बात कर रही हो अपनी माँ से? तो पापा, मम्मी को भी समझाओ कि हर टाइम मंजुषा मंजुषा ना करा करे। और इस तरह ये बहस काफी देर चलती है। मंजुषा बहुत ही होशियार लड़की है, वो अपनी चाची के साथ घर का काम भी करती है और अपनी पढ़ाई भी करती है। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी और सिलाई कढ़ाई में भी। उसके विपरीत आशिमा बड़ी आलसी थी और पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी मम्मी मंजुषा की तारीफ करे। एक दिन, चाची, हम स्कूल की तरफ से भावनगर का किला देखने जा रहे हैं, आप इस फॉर्म पे साइन कर दो। आशिमा नहीं जा रही बेटा, क्या तेरे साथ? चाची, हम दोनों ही जा रहे हैं, पूरी क्लास जाएगी। अच्छा अच्छा, ला फॉर्म पे मैं साइन कर देती हूँ। आशिमा और मंजुषा अपने स्कूल की तरफ से भावनगर का किला देखने के लिए जाते हैं। सारे बच्चे लाइन में रहेंगे, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। सब एक साथ किला देखेंगे, जो तुम्हें वहां पर इंटरेस्टिंग लगे उसके बारे में लिखना है, राइट? ठीक है मैम। सब बच्चे किला देखने लग जाते हैं। किला देखते देखते वो उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर कैदियों को कैद किया जाता था और उन्हें यातना दी जाती थी। मैडम, आप यहाँ पर बच्चों को लेकर नहीं आ सकती, सामने लिखा हुआ है ना कि यहाँ आना निषेध है। सॉरी, मुझे लगा कि ये किले का हिस्सा है, मैं बच्चों को भी दिखा दूं। इस हिस्से में कोई नहीं आता है, यहाँ की आवाज किले में कहीं भी सुनाई नहीं देती है, इसलिए यहाँ पर आना मना है। आप बच्चों को लेकर अभी यहाँ से चली जाएं। और गार्ड के मुंह से ये बात सुन के आशिमा को एक ख्याल आता है। थोड़ी देर में मैडम के साथ पूरा किला घूमने के बाद में आशिमा मंजुषा से बोलती है, सो मंजुषा, मेरा पर्स वहाँ किले में कैद खाने के हिस्से में छूट गया है, चल मेरे साथ जल्दी से, मैं लेकर आती हूँ। पर चाची ने सारे पैसे तो मुझे दिए हैं। मंजुषा, मेरे जमा किए हुए पैसे हैं और मुझे लग रहा है वो मुझसे वहाँ पे गिर गए हैं। पर मैम वहाँ नहीं जाने देगी, गार्ड ने भी जाने से मना किया है। रुक, मैं मैम से पूछ कर आती हूँ, तब तो चलेगी ना। चल ठीक है, जल्दी से पूछ कर आ। और आशिमा मंजुषा को बोलती है कि मैम ने बोला है जल्दी से अपना पर्स लेकर आओ। वो मंजुषा को लेकर कैद खाने वाली जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गिरा होगा तेरा पर्स? शायद इस दरवाजे के उधर गिरा था जब गार्ड यहाँ आया था। तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? चल ना, बाद में डांट लियो, पहले मेरा पर्स उठाकर ला, मुझे डर लगता है अंदर जाने में। और जैसे ही मंजुषा अंदर पर्स लेने जाती है, आशिमा बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। मंजुषा अंदर से बोलती है कि दरवाजा खोल, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती। चल, फाइनली तेरे से पीछा छूटा, हर वक्त तेरी तारीफ सुन सुन के मेरे कान पक गए थे, और फिर वो जाकर अपने ग्रुप में ऐसे मिल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चलो बच्चों, बहुत हो गया आज का, चलो अब हम घर चलें। आशिमा मंजुषा नहीं दिखाई दे रही,
वो मैम उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो गया था तो वो चली गई। उसने बोला कि मैं आपको बता दूं कि वो घर चली गई है। ऐसे कैसे चली गई? उसने आकर मुझे परमिशन भी नहीं ली मुझसे। खैर छोड़ो, घर जाकर मुझे फोन कर देना कि वो घर पहुंच गई क्या। और उसके बाद टीचर सब बच्चों को लेकर चली जाती है। मंजूषा देर तक दरवाजा पीटती है, आवाजें लगाती है, लेकिन उस जगह से किले में कहीं पर भी उसकी आवाज नहीं आती। आशिमा प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज आशिमा मुझे आकर यहाँ से निकाल दे। मंजूषा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके पास ना पानी होता है ना खाना होता है। वो सोचती है कि आशिमा उसके साथ मजाक कर रही है, पर धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और उसे लगता है कि आशिमा ने उसे जानबूझकर यहाँ पर बंद कर दिया। और घर पर आशिमा, मंजूषा कहाँ है? मम्मी वो किले से पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को भी नहीं मिली, हम सब उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए, तो मैम ने बोला कि बच्चे सब घर चले जाओ, हम खुद ढूंढ लेंगे। अगले दिन शक्ति देवी और मोहन स्कूल में जाकर मंजूषा के बारे में पता करते हैं, पर टीचर कहती है कि वो किले से चली गई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद में मंजूषा नहीं मिलती तो शक्ति देवी सोचती है कि मंजूषा के साथ में कोई हादसा हो गया है शायद। और उधर आशिमा, चलो फाइनली उस मंजूषा से पीछा छूटा। और उधर मंजूषा भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। एक दिन किले का गार्ड कैद वाली जगह को साफ करने आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसे बड़ी गंदी सी बदबू आती है। मंजूषा गार्ड को अपने सामने खड़ी दिखाई देती है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना, तुम यहाँ पर कैसे? आज तो तुम्हारा स्कूल यहाँ घूमने आया है क्या? एकदम से चुड़ैल के रूप में उसके सामने आ जाती है। आज आया है तू? यहाँ पर मैं कितने दिनों से तुझे आवाज लगा रही थी कि मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे यहाँ से निकाल दे, पर तू नहीं आया। इतने टाइम से मैं भूखी हूँ, आज मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटा दूंगी। अरे तुम तो चुड़ैल हो, वो लड़की कहाँ गई जो अभी यहाँ खड़ी थी? वो लड़की मैं ही हूँ, मैं यहाँ भूख से प्यास से तड़प के मर गई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, और आज मैं इतनी भूखी हूँ कि अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा दूंगी। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी पता था कि तुम यहाँ पर कैद हो। तो मेरी क्या गलती थी जो उसने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया? और मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुझे खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगी। चुड़ैल बनी मंजूषा उस गार्ड को खा जाती है। अगले दिन गार्ड के मांस के टुकड़े और हड्डियां कैद खाने के बाहर पड़ी होती हैं, और ये देखकर किले के अंदर हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग जांच के लिए वहां आते हैं। तुम दोनों किले के उस साइड जाकर देखो और मैं कैद खाने की साइड जाकर देखता हूँ। लगता है कोई जंगली जानवर किले के अंदर घुस गया है जिसने ये हरकत की है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोई जंगली जानवर है, थोड़ा सतर्क होकर ढूंढते हैं उसे। फिर सारे कर्मचारी किले में इधर उधर जंगली जानवर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और एक कर्मचारी कैद खाने की तरफ आता है। जैसे ही कैद खाने का दरवाजा खोलता है, मंजूषा उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसको खा के उसके टुकड़े हड्डियों को बाहर फेंक देती है। तभी वहाँ दो कर्मचारी और आते हैं और वहाँ पर लाश के टुकड़े और हड्डियाँ देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। किले में कोई चुड़ैल है, ये खबर जंगल की आग की तरह सारे भावनगर में फैल जाती है और उस किले को बंद कर दिया जाता है। और एक दिन दो भाई सूर्यांश और दिव्यांश भावनगर किसी काम से आते हैं। उन दोनों को भावनगर के किले के बारे में भी पता चलता है कि वहाँ कोई चुड़ैल है। वो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि आज के युग में भी तुम चुड़ैलों की बात करते हो? यार तुम कैसी बातें करते हो, आज के टाइम में कोई चुड़ैल हो सकती है क्या? किले को किसी ने अपने फायदे के लिए बंद किया होगा, क्या पता वहां कोई इलीगल काम हो रहा हो सकता है ऐसा भी।
लेकिन इस किले को काफी टाइम से बंद कर दिया गया है और वहां कोई भी नहीं जाता, और मेरी मानो तो तुम दोनों भी वहां पर मत जाना। यार एक बारी जाकर देखना तो बनता है। ये बात बोली ना तूने, देखना तो बनता है, चल कल सुबह ही चलते हैं वहां पर। यार तुझे तो पता ही है ना, जब कोई ऐसी खबर सुनता हूं तो अंदर से दिल करता है कि हकीकत तो पता करनी ही चाहिए। और अगले दिन सूर्यांश और दिव्यांश दोपहर को किले में किसी तरह घुस जाते हैं। वो धीरे धीरे सारा किला घूम लेते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता, और इस सब में इतना टाइम भी जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सुन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। लग तो मुझे भी रहा है, थोड़ा चुकन्ना रहे, हम दोनों साथ रहेंगे और गेट की तरफ चलते हैं। और जैसे ही वो मेन गेट की तरफ जाते हैं, मंजूषा उन्हें गेट पर चिपकी हुई नजर आती है। वो दोनों डर जाते हैं और अपनी टॉर्च लेकर अंदर की तरफ भागते हैं, और मंजूषा उनके साथ साथ दीवारों पर, फर्श पर, खंभों पर चढ़ती हुई उनका पीछा करती है। तभी दिव्यांशु मंजूषा बनी चुड़ैल के ऊपर टॉर्च मारता है। बहुत दिनों बाद इस किले में कोई आया है, आज मैं अपनी भूख दिल खोल कर मिटाऊंगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तू कौन होता है पूछने वाला कि मैं कौन हूँ? ये किला मेरा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, आज तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। सूर्याज, लगता है ये कोई भयानक चुड़ैल है, यही लोगों को मारकर खा जाती है। देख तो यहाँ पर कितनी सारी हड्डियां पड़ी हैं। हाँ, मुझे भी कोई भटकती हुई चुड़ैल लग रही है। सुन, मैं इसको बातों में लगाता हूँ, और तू जल्दी से ये देख, इसकी कोई चीज नहीं है क्या? ठीक है। तुम लोग क्या आपस में बातें कर रहे हो? क्या डिसाइड कर रहे हो कि कौन पहले मेरा भोजन बनेगा? सुनो, तुम जो कोई भी हो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे मारकर खा जाओगी, पर मैं मरने से पहले यह जानना चाहता हूँ कि तुम इस किले में कैसे आई। मैं तुझे क्यों बताऊँ मैं कौन हूँ? मुझे बस अपनी भूख मिटानी है। मुझे बातों में मत उलझा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये किला मेरा है, जो भी इसमें आएगा वो ऐसे ही मरेगा। ये बात मुझे अच्छे से पता चल गई है कि अभी कुछ मिनटों में मैं तेरा भोजन बन जाऊंगा, पर क्या तुम मरने वाले की आखिरी इच्छा नहीं पूछोगी? मुझे बताओ तो कि तुम यहाँ कैसे आई? मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ इस किले में आई थी। मेरी बहन आशिमा ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया और मैं भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गई। मैं कितने दिन तक लोगों को आवाज लगाती रही, लेकिन सब यहाँ पर आए पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। और जब मैं मर गई तो मैंने ठान लिया कि अब ये किला सिर्फ मेरा है और मैं इसमें किसी को भी नहीं रहने दूंगी। यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है। क्या तुम इसी तरह यहाँ के लोगों को मार मार के खाओगी, या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन तुमसे आकर माफी मांगे? वो मेरी सगी बहन नहीं थी, वो मुझसे जलती थी, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर धोखे से बंद करके मार डाला। पर मैं उसे सगी बहन की तरह चाहती थी, पर अब मैं उसको कभी नहीं देखना चाहती। देखो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें धोखे से यहाँ पर बंद कर दिया, यह बात सिर्फ तुम और तुम्हारी बहन जानते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन की सच्चाई सबके सामने आए, किस तरह उसने तुम्हें यहाँ धोखे से बंद करके मार डाला और तुम किस हालत में हो? क्या तुम उसे नहीं बताना चाहती कि तुम कैसे तड़प तड़प कर मरी हो? इस तरह तो उसे कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, और तुम यहाँ पर उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान ले लोगी। क्या तुम उसे ला सकते हो? और अगर तुमने भी मुझे धोखा दिया और तुम यहाँ से जाने के बाद कभी वापस ना आए तो? हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बहन की गलती की सजा हर बेकसूर इंसान को दो। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खा जाऊंगी। मैं तुम्हारी बहन को तुमसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा, अगर नहीं लेकर आ पाया तो मैं खुद आऊंगा और तुम मुझे खा लेना। मुझे बताओ कि तुम्हारी बहन कहाँ रहती है?
मंजुषा जो बदले की आग में जल रही थी वह सूर्यांश को अपनी बहन का पता बता देती है और सूर्यांश जाकर उसकी चाची और चाचा को सारी हकीकत बता देता है। वो कहता है कि आशिमा को वहाँ जाकर उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी वरना वो चुड़ैल बनकर पता नहीं कितने लोगों को खा जाएगी। मंजुषा जिस दिन से गायब हुई मैं हमेशा यही सोचती रही कि पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई। आशिमा सच सच बता, तूने क्या मंजुषा के साथ किया था ऐसा? नहीं, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। सच बताओ आशिमा, क्या तुमने मंजूषा को सच में मार डाला? क्या तुम्हें उससे इतनी नफरत थी? हाँ थी मुझे उससे नफरत। आप दोनों ने मेरे हिस्से का सारा प्यार उसको दिया। वो हर जगह अच्छी थी, वो खाना अच्छा बनाती थी, वो मम्मी के साथ काम करती थी, वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, ये सुना सुना कर आप लोगों ने मुझे उसके सामने कुछ नहीं समझा। हाँ मैं उससे नफरत करने लगी थी और मैंने ही उसे किले में बंद किया था। हे भगवान, मैंने कैसी डायन लड़की को पैदा किया। तू उसे वहाँ बंद करके आ गई, वो भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर गई। तुझे कभी दया नहीं आई उसके ऊपर? हाँ नहीं आई मुझे उस पर दया, उसने आप लोगों को मुझसे छीन लिया था। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है आंटी, आप मेरे साथ चलो आशिमा को लेकर। मेरा भाई मंजूषा की कैद में है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो वह उसे मार डालेगी। और अंकल प्लीज आप जलाने का सामान अपने साथ ले लो, मंजूषा का कंकाल वहां पर है, हमें उसे जलाना होगा। हाँ बेटा, वह मेरी बेटी है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वह चुड़ैल बनकर सारी जिंदगी भटकती रहे। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और फिर सूर्यांश शक्ति देवी मोहन और आशिमा को लेकर किले में पहुंचता है। सूरज निकलने से पहले ही सूर्यांश किले के अंदर होता है और वो मंजुषा के सामने। मंजुषा, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आशिमा को लेकर यहाँ आ गया। मेरी बेटी मंजुषा, ये तूने क्या हाल बना लिया? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर आशिमा ने कभी नहीं बताया कि उसने तुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। देखो ना चाची, है मुझसे कितनी नफरत करती थी। इसने एक बारी भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ मर जाऊंगी और ये मुझे बंद करके चली गई। मैं यहाँ से आवाज देती रही, मैंने आपको सबको आवाज दी, मैं तड़प तड़प के भूख प्यास से मर गई। मंजुषा मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे इतनी नफरत करने लगी थी कि मुझे उस टाइम पर यही सही लगा कि तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। इतनी नफरत थी तुम्हें मुझसे कि तुमने मेरी जान ही ले ली। मुझे माफ कर दो मंजुषा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मंजुषा मेरी बेटी, बात सुन, इसको इसके लिए किए की सजा हम देंगे। तू इस तरह चुड़ैल बनकर बेगुनाह लोगों का खून मत कर, दूसरे की गलती की सजा हर किसी को मत दे। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है बेटी, तू इसे माफ कर दे। क्या तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगी मेरी प्यारी बेटी? मैं तेरी बेटी हूँ माँ, मैं तेरी ही बेटी हूँ, तो कह रही है तो मैं इसको माफ कर देती हूँ। इतने में मोहन और दिव्यांश जाकर मंजुषा के कंकाल के ऊपर लकड़ियाँ डालकर आग लगा देते हैं और कंकाल जलने के साथ ही मंजुषा को मुक्ति मिल जाती है। मैं तो समझता था कि लड़कियां बहुत नरम दिल होती हैं, लेकिन तुमने अपनी बहन के साथ जो किया वो बहुत बुरा किया। तुम सारी जिंदगी भी अपने आप के ऊपर से ये कलंक नहीं मिटा पाओगी। वह बिन माँ बाप की बच्ची थी, वह तुमसे क्या ले लेती? माँ बाप का प्यार ही तो चाहिए था ना उसे। हाँ, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं इतनी नफरत में थी कि मैंने उसे मार डाला। मंजुषा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे तो तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है, बहुत देर हो गई। तूने माफी मांगने में बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी आशिमा, बहुत देर कर दी। एक चुड़ैल चूड़ियां बना रही थी। चूड़ियां बनाते हुए वो जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी,
मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, जरा ठहरो ओ लोगो थोड़ी मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, जरा ठहरो ओ लोगो। फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। कितनी सुंदर लग रही हैं ये चूड़ियां, इन्हें तो मैं किसी को नहीं बेचूंगी, इन्हें तो खुद ही पहनकर खूब नाचूंगी। चुड़ैल उन चूड़ियों को पहनकर नाचने लगती है और फिर कुछ देर बाद गायब हो जाती है। चुड़ैल, वो भी चूड़ी वाली, ये सब क्या था? जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को। ये कहानी है भानुमती की, जो कि एक गांव में रहती थी। भानुमती का पति अपाहिज था, वो कुछ काम धंधा नहीं कर सकता था। भानुमती के दो बच्चे भी थे, जिनकी जिम्मेदारी भी भानुमती के सर पर ही थी, इसलिए भानुमती चूड़ी बनाने का और उन्हें बेचने का काम करती थी। भानुमती देखने में जरा भी सुंदर नहीं थी, पर उसकी बनाई चूड़ियां बहुत सुंदर होती थी। भानुमती हर रात चूड़ियां बनाती और फिर उन्हें दिन में बेचने के लिए पूरे गांव में घूमती थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, जो भी इन चूड़ियों को पहनेगा उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। भानुमती की बात सुनकर एक घर से कुछ औरतें बाहर निकल कर आती हैं और भानुमती को रोक कर कहती हैं, अरे ओ चूड़ी वाली, जरा रुक तो, हमें भी दिखा कैसी है तेरी चूड़ियां। उस औरत की बात सुनकर भानुमती रुक जाती है, लेकिन जैसे ही भानुमती उनकी तरफ अपना चेहरा करती है तो औरत उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। हे भगवान, ये कैसी चूड़ी वाली है, कितनी डरावनी लग रही है। चल चल, हमें नहीं लेनी तुझसे चूड़ियां, जा यहां से, तुझे देखकर कहीं हमारे बच्चे ही ना डर जाए। भानुमती को उस औरत की बात सुनकर बड़ा बुरा लगता है। वो कहती है, अरे बहन, मेरी सूरत मत देखो, जरा मेरी चूड़ियां तो देखो, कितनी सुंदर है, एक बार आप इन्हें पहनकर तो देखो। चल चल, बड़ी आई बातें बनाने वाली, जा यहां से, हमें नहीं लेनी तेरी चूड़ियां। भानुमती के कई बार कहने पर भी वो औरतें चूड़ी नहीं लेती और वहां से चली जाती है। भानुमती की उस दिन एक भी चूड़ी नहीं बिकी। भानुमती निराश होकर घर आ गई तो भानुमती की बेटी बोली, मामा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं लाई क्या? उधर से भानुमती का पति भी जोर जोर से खांस रहा था। भानुमती अपने पति को पानी देती है और फिर अपनी बेटी से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आज तेरे लिए कुछ भी नहीं ला सकी खाने के लिए, ये ले तू भी ये पानी पी ले और सो जा, कल मैं तेरे लिए बहुत कुछ लाऊंगी खाने के लिए। भानुमती की बेटी और वो दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन भी भानुमती की कुछ ही चूड़ियां बिकी, जिससे उसने अपने पति के लिए दवा ले ली, और आज भी वो अपनी बेटी को कुछ भी ना दे सकी खाने के लिए। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत गए, भानुमती से कोई चूड़ियां नहीं लेता था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। भानुमती ने रोज रोज की इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वही कदम उठाया जिसका डर था। एक रात भानुमती ने अपने घर के सामने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी, और भूख की वजह से भानुमती की बेटी भी बीमार पड़ गई। उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते, इसलिए कुछ दिनों बाद भानुमती की बेटी भी इस दुनिया से चली गई, और रह गया तो बेचारा अपाहिज भानुमती का पति। मरकर भी भानुमती की आत्मा को चैन नहीं मिला और उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी। अब तो रोज रात को गांव में चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देने लगी, पर जब भी कोई देखने आता तो किसी को कोई नहीं देखता। और फिर कुछ दिनों बाद गांव में एक चूड़ी बेचने वाली औरत आई। उसने अपने मुंह को एक कपड़े से ढका हुआ था। चूड़ी ले लो, चूड़ी सुंदर सुंदर चूड़ी ले लो, सस्ती सुंदर टिकाऊ चूड़ी ले लो। उसकी आवाज में अलग सा नशा था, तो उसकी आवाज सुनकर गांव की सभी औरतें उस चूड़ी वाले के सामने आई, और उन औरतों में से एक औरत बोली, अरे ओ चूड़ी वाली, जरा अपनी चूड़ी का टोकरा तो नीचे उतार, हमें कुछ चूड़ियां खरीदनी है। चुड़ैल अपनी चूड़ियों का टोकरा नीचे उतार लेती है और औरतें उसकी चूड़ियां देखने लगती हैं। अरे कितनी सुंदर चूड़ियां, एक दर्जन पहना दे मुझे। दूसरी औरत भी बोली, हाँ हाँ मुझे भी पहना दे, ये लाल वाली, मुझे लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है। और फिर वो चुड़ैल एक एक करके सबको चूड़ियां पहना देती है और वहां से चली जाती है।
चूड़ियों में इतनी खो गई थी सब औरतें कि कोई भी उस चुड़ैल को देख नहीं सका। किसी ने भी उसके चेहरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ ही देर में रात हो जाती है। जिन जिन लोगों ने भी उस चुड़ैल से चूड़ियाँ खरीदी थी वो सब अचानक उठकर घर के कोने में बैठकर रोने लगती हैं। सब एक ही बात कह रही थी, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी, मैं तुझे भूख के मारे तड़पते नहीं देख सकती, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। गांव की सभी औरतें उसी पेड़ के नीचे आ जाती हैं जहाँ की भानुमती ने अपनी जान दी थी। सभी औरतें उस पेड़ के चक्कर लगाने लगी और रोने लगी। उनके पीछे पीछे उन औरतों के घर वाले भी वहीं उस पेड़ के पास आ गए। सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि अचानक उनकी औरतों को क्या हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सभी औरतें चुड़ैल बन गई और हंसने लगी। मार डालूंगी सबको किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबने मेरा बहुत मजाक बनाया, मुझे अपना बदला लेना है, तुम सब लोग मरोगे जैसे मैं मरी। अरे ये तुम सबको क्या हो गया है, कल तक तो तुम सब ठीक थी, आज क्या हो गया है तुम्हें? इससे पहले कि बिरजू को उसके सवाल का जवाब मिलता सब औरतें वहां से गायब थीं। बिरजू के साथ साथ सब गांव वाले भी हक्के बक्के रह गए कि ये अचानक सब औरतें कहां गायब हो गईं। अरे भैया ये क्या हो गया, अभी तो सभी गांव की औरतें यहीं पर थी, अचानक कहां चली गई, उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हे भगवान अब हम क्या करें, कौन हमारी औरतों को वापस लाएगा, कहां चली गई सब। उन सब का रोना सुनकर एक भयंकर चुड़ैल जिसने की बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई थी हंसती हुई उन सब के सामने आ जाती है। सब लोग उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। भागो रे यहाँ से, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, कहीं इसी ने तो सब औरतों को गायब नहीं किया। सब आदमी वहां से भागने लगे और उन सब के पीछे पीछे वो चुड़ैल भी भाग रही थी। भाग जाओ यहाँ से, अगर दोबारा मुझे दिखाई दिए तो कच्चा चबा जाऊंगी। सब गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए थे और वो चुड़ैल वहीं खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन गांव में, अरे मौसी हमारा तो सब कुछ लूट गया, वो चुड़ैल हमारी शांति को लेकर जाने कहां चली गई। बिरजू तू हिम्मत से काम ले, भगवान पर भरोसा रख, शांति वापस आ जाएगी। मौसी हमारी चंपा भी उस पेड़ के सामने ही हमारी आंखों के सामने गायब हो गई, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम सब मुझे आज एक दिन का समय दो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मौसी अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है, कुछ भी करके हमारी शांति को वापस ला दो बस। जमुना मौसी सबको दिलासा देकर वहां से चल पड़ती है। ये गांव की सबसे समझदार औरत जमुना मौसी थी। वो अपने घर के पास पहुंची ही थी कि उनको उसी चूड़ी वाली की आवाज सुनाई देती है। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। अरे आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। हाँ याद आया, ये तो वही है जो कल भी आई थी चूड़ी बेचने, और कुछ औरतें इससे चूड़ी खरीद रही थी, कहीं इसी का हाथ तो नहीं है उनके गायब होने पर भी। जमुना मौसी उस औरत के पीछे पीछे चलने लगती है। आज कोई भी औरत बाहर नहीं निकली क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। किसी को बाहर ना आता देख वो चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और चूड़ी का टोकरा दूर फेंक कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कहाँ है सब, आज कोई खरीदेगा नहीं क्या मुझसे चूड़ी, मुझसे चूड़ी ले लो, बहुत सुंदर है मेरी चूड़ी। लेकिन कोई बाहर नहीं आता। जमुना मौसी दूर से छुप कर उस चुड़ैल को देख रही थी। हे भगवान ये तो चुड़ैल है, ये कहाँ से आ गई हमारे गाँव में। मैंने सुना था कि जब भी किसी गांव में कोई अनहोनी या बुरी घटना घटती है तो वहां चुड़ैल या फिर भूत प्रेतों का साया आ जाता है। बहुत साल पहले हमारे गांव में भी एक गरीब चूड़ी वाली थी जो कि लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी और उसने अपने आप को मार डाला था। हाँ हाँ ये ज़रूर उसी की आत्मा है जो कि अपना बदला लेने के लिए यहाँ आती है। अब क्या होगा, इसी ने उन औरतों को गायब किया है। जमुना मौसी कुछ सोचने लगती है और कुछ देर बाद वो एक तांत्रिक के पास जाती है जो पास ही एक गांव में रहता था। अपने तंत्र मंत्र से वो तांत्रिक उस औरत को सारी बात बता देता है। उस चुड़ैल को अपना बदला लेना है, उसकी नजर में तुम सब गांव वाले ही उसके गुनहगार हो। बाबा
अब आप ही हमको उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। ठीक है, हम कुछ करते हैं। ऐसा करो, तुम मुझे अभी उस जगह पर ले चलो जहाँ उसने अपनी जान दी थी। जमुना मौसी उस तांत्रिक को लेकर अपने गांव में आ जाती है। फिर सब गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक को उसी जगह ले जाते हैं जहाँ से सभी औरतें गायब हुई थी। तांत्रिक वहीं बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। तांत्रिक के मंत्र पढ़ने पर थोड़ी ही देर में वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है। चला जा यहाँ से। क्यों आया तू यहाँ पर? कौन है तू और यहाँ क्यों आई है? मुझे अपना बदला चाहिए। इस गांव ने मेरा बहुत मजाक बनाया। औरतों ने मुझे बहुत भरा बुरा कहा, मुझे बदसूरत कहा। मैं चूड़ी बेचने का काम करती थी। मेरी एक सुंदर सी बेटी थी, पति था जो पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर था। पर इन गांव वालों ने मुझे इतना सताया कि मुझे तंग आकर अपने आप को खत्म करना पड़ा। मेरी बेटी भी इस दुनिया से चली गई, वो भी तड़प तड़प कर। नहीं छोड़ूंगी किसी को। देख, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर कुछ लोगों के बुरे कर्मों की सजा तो पूरे गांव को नहीं दे सकती। चली जा यहां से, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे खत्म करेगा तू? इतनी हिम्मत नहीं है तुझ में। और फिर वो तांत्रिक को हवा में उछाल देती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ, जा भाग जा यहाँ से। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ चुड़ैल। अगर अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तुझे भस्म कर दूंगा मैं। चुड़ैल और तांत्रिक दोनों एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। सब गांव वाले डरे सहमे हुए चुपचाप वहां पर खड़े थे। तांत्रिक अपने थैले में से कुछ काले रंग की चूड़ियां निकालता है और उन चूड़ियों को चुड़ैल के सामने करता है। मैं जानता हूँ कि ये चूड़ियां इस आग में डालने से तू भस्म हो जाएगी। बता अब क्या चाहती है तू? नहीं, ऐसा मत करना तांत्रिक, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन इन काली चूड़ियों को वापस अपने थैले में रख लो। ठीक है, पहले उन सब औरतों को वापस लेकर आओ जिनको तुमने गायब किया था। ठीक है, अभी लाती हूँ। चुड़ैल वहाँ से जाती है और उन सब औरतों को वापस ले आती है। चुड़ैल, तेरी मुक्ति का यही उपाय है कि मैं ये चूड़ियां इस आग में डाल दूं, वरना तू इसी तरह भटकती रहेगी। इतना बोलते ही वो तांत्रिक उन चूड़ियों को आग में डाल देता है जिससे वो चुड़ैल वहीं पर भस्म हो जाती है। सब औरतों के वापस आने पर अब सब गांव वाले भी खुश थे। तांत्रिक बाबा ने सबको समझाया कि हमको किसी का भी इतना मजाक नहीं बनाना चाहिए कि उसकी जान पर बनाए।